हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे जो कि है पॉवर्टी। ठीक है, आज हम लोग पॉवर्टी को पढ़ेंगे कि पॉवर्टी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पॉवर्टी का अगर और इसका वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल साइन अप स्टडी के प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब होता है ना कि पॉवर्टी इज़ द लैक ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स which is necessary to maintain the health as well as the well-being of the family। मतलब इसका मतलब होता है कि पॉवर्टी वो कहलाता है कि अगर मान लीजिए आप एडिक्वेट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स विच रिक्वायर्ड, मतलब जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आपके सर्वाइवल के लिए आपके फैमिली के सर्वाइवल के लिए, तो वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप क्या है, तो आप पॉवर्टी के अंदर आ रहे हैं, तो आप गरीबी के अंदर, आप गरीबी कहलाएंगे, इसको गरीबी कहेंगे। ठीक है, अगर वो पांच चीज़ों की अगर हम बात करें, सपोज मान लीजिए आपके पास फूड नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, शेल्टर जिसको बोला जाता है, क्लोथ्स बोलिए, शेल्टर मतलब रहने के लिए नहीं है, हाउस, ठीक है, शेल्टर और हाउस दोनों को सेम ही बोल सकते हैं हम लोग, एजुकेशन, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास चिकित्सा नहीं है, यानी मेडिकल फैसिलिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पांच चीज़ों में से कोई एक भी आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप पॉवर्टी के अंदर आएंगे। ठीक है, कुछ कमेटी है जिनका रिपोर्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट लिखा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहता है ना कि कोई व्यक्ति अगर न्यूनतम जीवन यापन करने के लिए भी चीज़ें को नहीं अक्वायर कर पाता है ना, तो वो गरीब है। ठीक है, न्यूनतम से निम्न से निम्न स्तर की भी चीज़ें, निम्न स्तर का भी जिंदगी यापन करने के लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उसको नहीं ला पा रहा है ना, अक्वाइड कर पा रहा, तो वो गरीब है। वो किसने कहा, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा गया। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि द पर्सन हुज पर डे इनकम इज लेस देन $2, दो अमेरिकन डॉलर से अगर कम है, कोई व्यक्ति का पर डे का इनकम दो अमेरिकी डॉलर से कम है, यानी लगभग मान लीजिए 150 रुपये, अगर 150 रुपये से कम है ना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, वो गरीब कहलाएगा। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, गरीबी का मतलब समझाया कि गरीबी हम लोग किस तरह से किसको गरीब कह सकते, जैसे वी एम डांडेकर और एनरथ फार्मूला दिया गया। ठीक है, वी एम डांडेकर और एनरथ फार्मूला दिया गया, इसमें वी एम डांडेकर एंड एनरथ फार्मूला जो 1971 में दिया गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, वी एम रथ एन एन डांडेकर फार्मूला, इसमें ये कहा गया कि जो रूलर यानी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2250 कैलोरी गेन करने के लिए जो भी धनराशि यानी जो भी मनी की ज़रूरत है, अगर उतना वो कमा लेता है, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर 2250 कैलोरी से कम अगर वो अक्वायर, जैसे मान लीजिए कि 2250 कैलोरी मतलब गेन करने के लिए उसको 200 रुपये पर डे चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं, अगर वो 200 रुपये नहीं गेन पर कर पा रहा है ना पर डे, तो क्या होगा, वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए था। ठीक है, सपोज दैट अगर 199 ही वो कमा पा रहा है, तो ये 2250 कैलोरीज को नहीं मिल पाएगा, तो ये गरीब कहलाएगा। यानी वीएन और एनरथ फार्मूला ने कैलोरीज के बेसिस पे गरीबी और अमीरी को, मतलब गरीबी को शो किया। ठीक है, शहरी और ग्रामीण, रूरल एंड अर्बन एरियाज में। लेकिन इसके बाद जो था ना, इसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी वो 2009 में आई। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरीज के जगह पे इन्होंने पर मंथ इनकम या पर डे इनकम को, पर डे एक्सपेंडिचर को अपना बेस बनाया पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि बोला कि अर्बन सेक्टर में, यानी कि अर्बन सेक्टर में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर 3300 रुपये पर डे खर्च कर रहा है और 1000 रुपये महीने खर्च कर रहा है ना, इससे अगर कम खर्च कर रहा है, तो वो गरीब है, अदरवाइज वो गरीब नहीं है। ठीक है,
वही अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में उन्होंने बताया कि 816 रुपये मंथली से कम अगर वो खर्च कर रहा है, ठीक है, और 2700 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब कहलाएगा। ये किसने दिया था? ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी का मूल्यांकन था, ठीक है। इसके बाद जो कमेटी आई ना वो थी रंगराजन कमेटी। तो जो दूसरी कमेटी आई वो थी सी रंगराजन कमेटी। सिंह रंगराजन कमेटी ने भी मूल्यांकन जो किया एक्सपेंडिचर के हिसाब से, इन्होंने भी मूल्यांकन किया था। सी रंगराजन कमेटी जो आई थी 2012 में आई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अर्बन सेक्टर के लिए यानी अर्बन एरिया के, इन्होंने 1407 रुपये किया कि अगर कोई व्यक्ति 1407 रुपये से कम खर्च करता है प्रति मंथ ना तो वो गरीब कहलाएगा, और 47 रुपये प्रतिदिन। अगर वही रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में इन्होंने 972 रुपये मंथली रखा, अगर इससे कम कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो गरीब कहलाएगा। अगर वही पर डे के हिसाब से देखें तो 32 रुपीज़ पर डे, इससे कम खर्च करने वाले को रंगराजन कमेटी के हिसाब से गरीबी रेखा में रखा गया। अब गरीबी को मेज़र करने, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सा मतलब संस्थान है, तो इसके लिए एक संस्थान है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NSO की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी ना इससे पहले मतलब NSO बनने से पहले जो दो इंस्टीट्यूशन थी जिसका नाम था NSSO और CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो था वो पहले गरीबी का अनुमान लगाता था, लेकिन इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को कंबाइन करके 2019 में एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोला गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको 2019 में बनाया गया, ठीक है। 2019 बिफोर NSO बनने से पहले जो गरीबी का मूल्यांकन जो करता था वो NSSO करता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। लेकिन अब जो 2019 के बाद जो है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो आपका गरीबी का मूल्यांकन करता है या अनुमान लगाता है। अब अगर हम देखते हैं कि जो NSO है किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड MSPI के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है और ये फिर नीति आयोग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका साइकिल है। अगर वही हम बात करें कि गरीबी को डेटा कैसे गरीबी का कलेक्ट किया जाता है, तो इसका दो मेथड होता है। एक होता है कि URP मेथड, एक होता है URP मेथड। सो डेटा कलेक्शन मेथड, दो तरह से गरीबी की डेटा कलेक्ट किया जाता था। जो पहला मेथड था उसको बोलते थे URP मेथड। URP मेथड इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। इसमें होता क्या ना, इसका इस्तेमाल जो होता था 93-94 तक किया जाता था। इसमें क्या होता, पॉवर्टी इसी आधार पर जो पॉवर्टी निकलता था वो बेस्ड होता था URP। जब 1993 और 94 तक जो निकलता था ना वो URP डेटा पे मतलब पॉवर्टी निकलता था। इसमें क्या होता था ना कि इसमें जो है ना लोगों से पूछा जाता था, इसमें से लोगों से पूछा जाता था उसके कंजप्शन, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में, पूरा कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पिछले 30 दिनों का यानी पिछले एक महीने का उनके कंजप्शन, उपभोग और व्यय को पूछा जाता था। ये मेथड जो है ना 93 और 94 तक इसका यूज़ हुआ। उसके बाद इस मेथड को चेंज किया गया। उसके बाद जो दूसरा मेथड आया था वो था आपको MRP मेथड। MRP मेथड क्या होता है कि MRP मेथड में इसका होता है MRP मतलब मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड, ठीक है। ये 2000 से शुरू हुआ इसका, उस समय मतलब NSO इसको मेजर करता था, लेकिन करेंटली ये NSO है यानी NSO और CSO का गठन होने के बाद एक नया बना जिसको बोला जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन हुआ, ठीक है।
इसमें क्या होता था, एमआरपी में अगर इसको ये कर दिया जाए, पहले 2000 से इसकी शुरुआत हुई, अगर इसमें क्या होता था ना कि विच इन्वॉल्व आस्किंग पीपल अकाउंट देयर एक्सपेंडिचर, मतलब व्यय के बारे में पूछा जाता था, पिछले एक साल का व्यय पूछा जाता था एमआरपी मेथड में। तो ये दो वो मेथड होता है गरीबी को पता लगाने का, ये दो मेथड होता था, डिसऑर्डर डेटा कलेक्शन मेथड कहा जाता था। अगर पॉवर्टी की हम बात करें तो पॉवर्टी दो तरह का होता, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी भी हम कह सकते हैं, और दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। इन दोनों में अंतर क्या है ना, इन दोनों में एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आप अपने मतलब सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको भी अगर आप नहीं गेन कर पा रहे हैं ना तो उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपका इनकम जो है एक सर्टेन लेवल से भी नीचे है, जैसे मान लीजिए एक मिनिमम इनकम जो है 5 रुपये है, आप 5 रुपये से भी कम कमा रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं सर्टेन लेवल से भी नीचे होना। ठीक है, तो उस पॉवर्टी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी उसको बोलते हैं ना कि एक सर्टेन लेवल से आप ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे आपका इनकम है जहाँ से आप फैमिली को सर्वाइव करा सकते हैं, जिससे आप खुद सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी फैमिली भी सर्वाइव कर सकती है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, बोलेंगे हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी। अगर वही हम बात करें कि पॉवर्टी को मेज़र करने का मतलब क्या है, तो दो विधि है, एक लॉरेंज वक्र विधि है जिसको लॉरेंज कर्व मेथड बोलते हैं, और एक गिनी कोफिशिएंट मेथड है। लॉरेंज कर्व को जो आविष्कार किया था मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में किया था। ठीक है, 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था, और गिनी कोफिशिएंट का कॉनराड गिनी ने 1912 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इस मेथड का जो लॉरेंज कर्व मेथड था इसकी खोज जो थी मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में की थी, और गिनी कोफिशिएंट की खोज जो थी ना वो कॉनराड गिनी ने 1912 में की थी। ठीक है, जो लॉरेंज कर्व है ना, लॉरेंज कर्व मेथड जो है वो क्या करता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को बताता, और जो गिनी कोफिशिएंट है ना वो सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और ये इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो 6 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, जो पहला अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, जब मान लीजिए मांग में, मार्केट में जो मांग जो है, जैसे जो डिमांड है उसमें परिवर्तन आ जाए, यानी मैंने यहाँ लिखा है सिंपल वर्ड्स में लिखा है चेंज इन डिमांड, अगर मांग में परिवर्तन आ जाए ना तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, तो साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है जैसे कि अगर मार्केट का डिमांड कम्प्लीटली समाप्त हो जाए, यानी कम्प्लीटली जो डिमांड होता था ना, मांग होता था, पूरी तरह से समाप्त हो जाए, फैक्ट्रीज बंद होने लगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक पुरानी तकनीक से नई तकनीक को सीखने के तक जो बीच का जो गैप होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट, द गैप बिटवीन द टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब पुरानी तकनीक से नई तकनीक सीखने के बीच का जो गैप होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विज अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, तो डिस्टिंग्विज अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए कि आप खेती करते हैं, ठीक है, धान का समय हुआ, ठीक है, और आपने क्या किया कि मतलब धान या गेहूँ आप खेतों में बो रहे हैं, ठीक है, उसको ठीक है उसकी खेती कर रहे हैं, तो जो पहले 5 लोग मिलकर जितना प्रोडक्शन करते थे ना, पहले जितना 5 लोग मिलके
पहले जितना 5 लोग मिल के प्रोडक्शन करते थे उतना ही प्रोडक्शन 10 लोग करके 10 लोग मिल के कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन में आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉय जो तो 5 आदमी है वो बेमतलब का ही काम कर रहे हैं, उनका तो कोई एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वही हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये सीजनल वर्क होता है। जैसे मान लीजिए गेहूँ का सीजन है तो गेहूँ का सीजन में आप काम किए, धान का सीजन आया तो धान का सीजन में काम किए, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है ना, उसमें होता है कि सपोज आपने बीटेक किया है, आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है और आपके बीटेक डिग्री के अनुसार अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, सपोज मान लीजिए आपको कहीं पीएन की नौकरी मिलती है, आपने किया तो बीटेक है बट आपको पीएन की नौकरी मिली है, तो इसको क्योंकि पीएन की नौकरी आपके डिग्री के हिसाब से नहीं मिली, सिंपल सी है, क्योंकि अगर डिग्री के हिसाब से मिलती तो आपको पीएन का काम नहीं करते। तो कहने का मतलब ये कि जब आपकी डिग्री के अनुसार आपको काम ना मिले ना, तो उसको बोलते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने कल जैसे नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम निकालने का ना 4 मेथड होते हैं जिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है ना, वस्तु के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसका होता है ग्रॉस वैल्यू मेथड। ग्रॉस वैल्यू मेथड में हम लोग प्राइमरी वैल्यू को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, सपोज़ 2000 रुपये का हमने गेहूँ खरीदा, उस पर हमने जैसे कि 500 रुपये खर्च करके उसको आटा बनाया, उसके बाद उसमें हमने और कुछ खर्च करके हमने उसको क्या किया, बिस्किट तैयार किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैल्यू को, सिर्फ प्राइमरी वैल्यू और उसके बाद ग्रॉस वैल्यू जितना उसमें हम ऐड कर रहे हैं उसको जोड़ते हैं। तो सेकेंड जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू मेथड। जो तीसरा मेथड होता है ना, इनकम मेथड होता है। इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना कि इनकम फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट दोनों के इनकम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं हम लोग इनकम मेथड। इसके थ्रू भी नेशनल इनकम निकलता है कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट का भी इनकम और गवर्नमेंट दोनों का इनकम को जोड़ के हम जो इनकम निकालेंगे उसको नेशनल इनकम कहेगा। तो इनकम मेथड भी एक फॉर्मूला हो जाता है आपका नेशनल इनकम निकालने का। तीसरा, चौथा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे मान लीजिए नेशनल इनकम निकालने का मान लीजिए कितना हमने कंजप्शन किया, कितना हमने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा और कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हुआ, तो इन सारी चीज़ों को ऐड करके भी हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। तो ये 4 मेथड होता है, एक होता प्रोडक्शन मेथड, एक होता आपका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, एक होता प्रोडक्शन मेथड, दूसरा ग्रॉस वैल्यू मेथड, तीसरा होता है इनकम मेथड और चौथा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 4 मेथड से हम आपका नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत करेंगे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ जाके ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल साइन अप स्टडी से, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट से, इस वीडियो को आपको हेल्पफुल करेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।